अपनी पिछली गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं और सोर्सेज ऑफ़ नॉलेज में जो अगला मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग बुनियादी तौर पे एक थिंकिंग प्रोसेस का नाम है सोचने का अमल है जिसमें हम इल्म का हसूल किसी जर्नलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ करते हैं अच्छा ये आप बहुत दफ़ा आपने सुना पड़ा होगा इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि डिड्यूस करना डिडक्टिवली रीजन करना और इसका प्रोसेस क्या है कि हम एक जनरल चीज़ को पकड़ते हैं एक थ्योरी को एक लॉ को एक एस्टेबलिश प्रेमिस को पकड़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे और फिर उससे कंक्लूजन ड्रा करते हैं मिसाल से अगर आप समझें तो शायद हमें जल्दी इसकी समझ आ पाए मसा देखिए अमूमन ये बात हम सब दुरुस्त समझते हैं और ये इस पर लोगों का एग्रीमेंट है फर्ज कर लीजिए कि ऑल एल्डर्स आर वाइज तमाम एल्डर अक्लमंद होते हैं अगर ये बात मैं दुरुस्त मान लूँ इस प्रेमिस को ठीक मानूँ ये मेरा मेजर प्रेमिस है मेजर एजॉम्पन है या इसको कह लीजिए मेजर हाइपोस थ्यूरी है बल्कि मेजर कि तमाम एल्डर्स वाइज होते हैं और फिर मैं दूसरी बात इससे जोड़ूं कि इमरान एक एल्डर है मेरा कोई जानने वाला है शख्स उसका नाम इमरान है और वो एल्डर है और मैं इन दोनों पहली बातों को मिला के यानी मेन प्रेमिस को और दूसरा जिसको मैंने माइनर प्रेमिस कहा इन दोनों को इकट्ठा करूं और इससे ये नतीजा ड्रा करूं कि इमरान वाइज आदमी है क्यूं? कि मैंने देखिए किस तरीके से लॉजिक जोड़ा कि पहले मैंने एक जनरलाइजेशन बताई कि तमाम एल्डर्स जो होते हैं वो वाइज लोग होते हैं फिर मैंने दूसरी बात ये जोड़ी कि फलां शख्स भी एल्डर है और फिर उन दोनों को इकट्ठा करके कहा कि जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका मतलब है फिर वो भी वाइज है ये मैंने कंक्लूजन ड्रा किया ये एक तरीका है रीज़न के जरिए से लॉजिक के जरिए से इल्म तक पहुंचने का हासिल करने का नई चीज़ें सीखने का लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं सबसे पहली लिमिटेशन देखिए ये है कि जब मैंने ये फ़र्ज़ किया या ये प्रेमिज मेजर प्रेमज आपके सामने रखा कि ऑल एल्डर्स अरवाइज इस बात का दुरुस्त होना बिला शक व शुबा इसका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है वरना इससे आगे मैं जो कुछ ड्रा करूँगा वो सारे का सारा गलत हो जाएगा वो सारा ठीक नहीं होगा मसलन इसका मतलब है अगर ये बात ठीक नहीं है कि सारे एल्डर वाइज होते हैं तो इसका मतलब फिर अगली बातें तो सारी खुद बहुत गलत हो गई सो so, पहली बात लॉजिकली ये है कि जिस प्रेमिस को आप जनरलाइजेशन कह रहे हैं जिसको आप मेजर प्रेमिस कह रहे हैं वो फैक्चुअली प्रूवन और अनडाउटेडली करेक्ट होना चाहिए ये गलती होगी तो आगे सारा गलत हो जाएगा दूसरी बात आप इसमें देखिए कि मैंने इनको आपस में जिस तरीके से कनेक्ट किया ऑर्गेनाइज किया इसमें एक बुनियादी बात है कि नया इल्म कोई नहीं आ रहा मैं प्रेमज उन्हीं को बना सकता हूँ जिनके बारे में इल्म रखता हूँ ऑलरेडी नया इल्म इस तरीका कार से नहीं बनाया जा सकता क्यों कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा उस चीज से शुरू होता है जिसके बारे में मेरा दावा है कि मैं इसको जानता हूं और फिर दूसरा जो माइनर प्रेमस है वो भी आप देखिए कि मेरे ऑलरेडी मौजूद इल्म पे बेस करता है कि इमरान एक एल्डर है ये बात भी मेरे इल्म का हिस्सा है पहले से इसमें भी नया कुछ नहीं है और फिर मैंने इन दोनों को मिला के जो कंक्लूजन ड्रा किया वो इन दोनों के बियॉन्ड नहीं हो सकता इनसे आगे नहीं जा सकता इन्हीं दोनों पे बेस कर सकता है सो तो दूसरी बड़ी डिडक्टिव रीजनिंग जो है इसका मतलब डिडक्टिव रीजनिंग अकेला रिसर्च की बुनियाद नहीं बन सकता क्योंकि रिसर्च तो अननोन्स को जानने के लिए की जाती है जिनको मैं आज नहीं जानता उनको जानने के लिए करता हूँ तो अगर ये सारा प्रोसेस शुरू ही उन चीज़ों से होता है जिनको मैं जानता हूँ और ख़त्म भी उन्हीं पे हो जाता है जिनको मैं पहले से जानता हूँ सिर्फ उनका आपस में लॉजिकल कनेक्शन जोड़ता है तो लिहाजा डिडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए से आप नया इल्म जो है वो जनरेट नहीं कर सकते नए रिलेशनशिप नई कॉजेशन ये नहीं इसमें से निकाली जा सकती सो तो इस डिडक्टिव रीजनिंग सोचने का एक अच्छा तरीका है सोचने का एक जस्टिफाइबल लॉजिकल तरीका तो हो सकता है लेकिन ये अकेला रिसर्च की बुनियाद नहीं बनता सो डिडक्टिव रीजनिंग को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज हम जानते हैं ये रिसर्च से मुतक कैसे है इसके बारे में गुफ्तू हम आने वाले सेशन में करेंगे